अच्छा बेटे, लास्ट सेशन में आपने देखा है कि हम मेजरमेंट्स को डील करते रहे। जो हमारा ये चैप्टर है पहला, ये हैवी स्टोशियोमेट्री का। स्टोशियोमेट्री का क्या मतलब है बेटे? मेजरमेंट्स, ठीक है। तो मेजरमेंट बेटे, हमारे पास पहले लिक्विड्स थे। लिक्विड्स की आपने देखा मेजरमेंट करनी इसी है। लिक्विड को आप बेटे आराम से वेट भी ले सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी ले सकते हैं। इसी तरह सॉलिड्स हों बेटे, सॉलिड्स का भी वेट आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर गैसेज हों तो गैसेज का बेटे वेट कैसे निकाला जाए? यानी बेटे आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। आपके पास कोई चीज़ सॉलिड है, उसका वेट आप निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ आपके पास लिक्विड है, उसका वेट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ चीज़ गैस है तो उसका वेट कैसे निकालेंगे? उसका वेट निकालना तो मुश्किल काम है। आपको अगर गैस मिले तो उसका वेट निकालना मुश्किल है, काम है। इस वजह से गैसेस के मामले में बेटे हम आ जाते हैं वॉल्यूम के कंसेप्ट की तरफ। वॉल्यूम से बेटे आप वाकिफ है, वॉल्यूम किसे कहते हैं? शाबाश बेटे, जिस बच्चे को वॉल्यूम का पता बेटे हैंड रेज करे। हैंड रेज करें बेटे, शाबाश। जिन बच्चों को वॉल्यूम का पता है हैंड रेज करें। शाबाश बेटे, पता आपको वॉल्यूम क्या होता है? बेटे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, किसी चीज का। शाबाश। तो ऊर्जा बेटे किसे कहते हैं? नहीं बेटे, ऊर्जा शाबाश। यानी जो भी चीज जगह घेरे उसे वो जितनी जगह घेरती है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। शाबाश। तो अब बेटे गैसेस हमारे पास आमतौर पे आप जानते हैं कि गैसेस इस तरह का कंटेनर होता है हमारे पास, सिलेंडर होता है या इस तरह का कोई कंटेनर होता है जिसके अंदर हम गैस को रखते हैं। ये फर्ज करेंगे हमारे पास ये कंटेनर है और इसके अंदर ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल हैं। क्योंकि गैसेस जो है ना ये बेटे आमतौर पर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। बेटे शोर नहीं, ये बेटे आप फर्ज करें आपके पास कोई सिलेंडर है और इसमें बेटे ये आपके पास गैस है और जो है अब ये इसके ऊपर बेटे हम ये पिस्टन लगा देते हैं। ये जो है मूवेबल होता है। मेरे बेटे शोर नहीं बेटे, अच्छे बच्चों को एक दफा कहा जाता है बेटे कहना मानते हैं, ठीक है। जो बेटे लो लेवल के मतलब होते हैं उनको बार बार एक चीज बतानी पड़ती है, फिर भी नहीं समझ आता। लेकिन आपने बेटे अच्छे बच्चे बनना है, एक बार टीचर बताते हैं आपने उसको बेटे फॉलो करना है, समझना है। अच्छा ये बेटे आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये उसके ऊपर हमने पिस्टन लगाया है। पिस्टन का क्या मतलब है कि अगर बेटे आप नीचे से इसको बंद करते हैं, नीचे से फ्लेम देते हैं, तो फ्लेम देने से क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ये ज्यादा तेजी से मूव करने शुरू हो जाएंगे। उसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा कि ये इस पिस्टन से ऊपर कर देंगे, ठीक है। ऊपर करेंगे तो पहले जो गैस का वॉल्यूम था इतना था, ये ऊपर होगा तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये जो हमने फ्लेम दिया ये असल में क्या था, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। फ्लेम को क्या कहते हैं? टेम्परेचर। आपको एक बात की समझ आ गई कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैसेस का तो उससे उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीज कर जाता है। अच्छा दूसरी चीज बेटे वो है प्रेशर। यानी अगर यहां से हम प्रेशर डालें ऊपर से, इसको पी कहते हैं और पूरा प्रेशर ऐसे लिखते हैं, अगर बेटे हम ऊपर से प्रेशर डालें तो उसका क्या इफेक्ट होगा कि ये पिस्टन नीचे हो जाएगा और गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इससे आपको समझ आई होगी कि प्रेशर भी अफेक्ट करता है गैस के वॉल्यूम को। प्रेशर बढ़ाएं तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, अगर हम प्रेशर रिलीज करें तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, ठीक है।
कि आपने चीज देखी कि टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है गैस के वॉल्यूम को, दूसरा प्रेशर इफेक्ट कर रहा है। और एक साइंटिस्ट था बेटे जिसका नाम आपके यहाँ इस्तेमाल हुआ है, जिसको एवोगैड्रो कहते हैं। तो इससे बेटे आप पहले भी वाकिफ हैं, जो आपने बेटे पहले मोल का कंसेप्ट लिया था उसमें आपको याद होगा एवोगैड्रोस नंबर भी आपने पढ़ा था। यस सर, वो बेटे यही साइंटिस्ट था, इसी ने वो काम किया था। अच्छा, इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर आप प्रेशर कॉन्स्टेंट करते हैं, प्रेशर को कॉन्स्टेंट का क्या